welcome back to Grow with the J.A.N. Family. I'm Anjali, and today we're going to be reacting to Proud to be Born in India. Yes, by Mohammed, Sadriwala. And this has been recommended to us actually a while back, and we're just getting to it now, but my husband watched it and he said this was just, with what has been going on with India, with Jammu and Kashmir, with Article 370 and 35A, this is the kind of stories, this is the kind of people that make the country proud to be Indian. So, Proud to be Born in India is what it's called. So, we are going to be reacting to that. Yes. This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफी करीब है हमारे घर से, हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफी दूर एक मुल्क है इराक, वहां पे नजफ अशरफ करके एक जगह है जहां पे मौला अली के रोजे है, मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहां वो गए थे दोनों, उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के खत्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे-जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई, वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था, दो बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी, तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराकी में, इराकी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे, फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी, दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराकी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराकी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की, फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे, देख लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को, पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी, उन्हें पता था कि मैं खुद एक, मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है, तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बूनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बूनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बूनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है, मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए थे, आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो, जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने
12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढहल गया। एक बहन ने कहा, आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में, देखेंगे। मगर एक जिसे खाने की असमत सही पता होती है, वो देख कर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे एक हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश हो गई। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से, जिसके तुम दर पे आए हो, कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का याद नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हों। I love the message at the end. He was saying, you know, when the sisters left, they were so happy that they were able to give this little boy some money and some food for his family. And then they felt really good about themselves. But not only that, they felt proud to be in India. So they realized like how good they have been in their life. Right. How good they have it in India. Yeah. You know, and even Mohammed at the end said, you know, how proud he is to be an Indian. And that's what we want to hear. You know, he's a Muslim. I'm assuming the sisters that they went on a tour, you know, that when they come home, you know, they did something good. They felt like God was shining down on them too. And that they did something good that made them feel good. And then they realized how great they have it in India. You know, sometimes the grass looks greener on the other side of the fence, but when you go there, you realize everybody has problems, and sometimes their problems are a lot bigger than yours, but you don't know until you go. And, you know, just the fact that afterwards, they kind of were like self-realizing that they have it so good in India, and they're so proud to be part of India, and that makes us so happy. You know, we've done speeches and other videos on Syed Akibardhan and APJ Abdul Kalam, right? And those are just a few. And just, you know, Dr. APJ was such a great leader and scientist. Oh my God, such a great scientist. And then, you know, Syed Akibardhan, his speech at the UN where he defended India, that's what it's all about. Like, your country comes first. Not your religion. Not your religion, not the color of your skin, not if you're a boy or a girl. Not your age. Nothing else really matters. When you are living here and the country is feeding you, your country comes first. Yeah. And you need to support them
and be proud of it. Nobody's grass on the other side is perfect. It's not perfect here. You know, we have different colors fighting. We have, you know, nobody likes this rule and that rule. And there are a lot of things that aren't perfect in the U.S. Yeah. But my husband has traveled a lot, and he reminds me a lot how good I have it, because the U.S. is only country I've been to as of now, until we come to India. You don't know until you go. You don't yeah. know until you walk into somebody else's home that, as pretty as it looks, it's not perfect. Right, Anji? Mm-hmm. Sometimes, even here at the J.A.N. family, we fight, and it's not perfect. You know, you have to be proud of your country. You know, that you have to be proud of your country. And, you know, support India in these things. It's going through big changes right now, I know. But they're trying to come together and make one big India, one country, one law. And for the good of India, for all Indians, you know, no matter race, color, religion, this is what we preach on every one of our videos. Yeah. Peace and India's diversity is what makes it wonderful. And, you know, it will get through it. Nobody is going to be 100% happy about any law, but it's going to, I think, make everything whole again. So, yeah. I hope you guys like this video. And if you like this video, don't forget to click that like button down below, because the more you like it, the more YouTube shares our videos. And don't forget to subscribe and join the wonderful J.A.N. family. And we'll see you tomorrow. Bye. Bye.